हेलो गाइज, वेलकम टू ची वाइस। माई नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम बात करते हैं किस तरीके से लॉकडाउन लोगों को परेशान कर रहा है। लॉकडाउन वैसे तो लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन लोग खुद ही घर में बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो घर में, अब मैं पुअर फैमिली की बात नहीं करूँगा क्योंकि खाना उनको चाहिए सबसे पहले। जो पुअर फैमिलीज़ हैं, वल्नरेबल फैमिलीज़, उनको खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो उनको इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा, उनको खाना मिल जाए सही है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, मैं खास करके देख रहा हूँ, जो रिच क्लास है, वो काफ़ी परेशान उठ गई। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बेहद जो है परेशान हो चुके हैं। एनजाइटी उनके दिमाग में है, फ्रस्ट्रेशन है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किस तरीके से पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या होगा। तो जो फ्रस्ट्रेशन जो निकल के आई है, मैं पूछता हूँ उसका कारण क्या है। कारण ऑफकोर्स COVID-19 है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है। वो COVID-19 पहला तो है नहीं, COVID-19 से बड़े बड़े भी जो हैं कई बीमारियां आ चुकी हैं ऐसी। दिक्कत ये है कि अब देखो, मैं आपको बताऊं, घर में बैठे बैठे एक तो मैंने कई दिनों से मैं न्यूज़ देख रहा हूं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। औरतों पर, महिलाओं पर जो है घरों में अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। एक मैंने किस्सा पढ़ा कि राजस्थान में जो है एक महिला को, महिला के पिताजी ने शिकायत की थी नेशनल कमीशन से फॉर वुमेन से कि मेरी बच्ची को जो है खाना नहीं दिया जा रहा लॉकडाउन से, और उसके घर में जो है उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है, आदमी आया कि घर में औरतों को परेशान कर रहा है, अपनी ही औरत को, अपने ही घर के लोगों को जो है लड़ रहा है, पीट रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। जानवरों जैसा बर्ताव इंसान घर के अंदर कर रहा है। कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप चला के, वेब सीरीज़ देख के अपना ध्यान भटका लेते हैं। कुछ लोग हैं जैसे कि जो इधर उधर करके वेब सीरीज़ वगैरह देख के, मूवी वगैरह देख के, और कई चीज़ों से जो अपना ध्यान भटका लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण है सबसे पहले तो न्यूज़। दिन ब दिन आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो, नेट चल ही रहा है, घर में बैठे हुए ही हो, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जो है बैठ गई है कि ये वायरस खतरनाक है और इससे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये आपके घर तक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे जो है संभल के रहना सही। हालांकि एक हद तक सही है ये खबर, और ये खबरें चलाना भी सही है, लेकिन ये चीज़ जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है तो एक परेशानी, डर आपके दिमाग में साथ के साथ बैठ गया। जब भी आप ऐसी चीज़ पढ़ते हो कि आपके आसपास कोई चीज़ आ गई, शहर में कोई केस आ गया, या फिर आगे संभाल नहीं पा रहे, या फिर दुनिया ऐसी हो जाएगी, या यूएसए नहीं संभाल पा रहा, चाइना नहीं संभाल पा रहा, या चाइना की एक बहुत बड़ी जो है ये वार थी, या चाइना जो है बहुत बड़ी चाल चल रहा है दुनिया के साथ, तो आप परेशान हो जाते हो। इसके लिए आप क्या करते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हो, कोशिशें करते हो कि मूवी वगैरह देखी जाए, बात करने की कोशिश करते हो दोस्तों से, बाहर निकल नहीं सकते लेकिन फ़ोन पे करते हो। कुछ लोग जो हैं वो हद पार करके ऐसी ऐसी चीज़ें देखने लग जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। कुछ लोग जो हैं ये सब नहीं कर पाते, वेब सीरीज़ वगैरह नहीं देख पाते, इनसे परेशान हो जाते हैं तो वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, सदियों से आदमी आनंद की ओर बढ़ना चाहता है, हैप्पीनेस चाहिए उसको, लेकिन उसको तरह तरह की परेशानियां नज़र आती हैं, और उसका कारण है सबकॉन्शियस माइंड। पढ़ने बैठो आप, तरह तरह की जिम्मेदारी आपके दिमाग में आएगी, तरह तरह के काम आपको याद आ जाएंगे, कहीं और ध्यान भटका देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। लोग इस सबकॉन्शियस माइंड को शांत कराने के लिए किसी और चीज़ की तरफ भागने लग जाते हैं। अल्कोहल, ड्रग कंजप्शन और ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं किन एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ, जिनसे आपका दिमाग शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड रुक जाता है, थॉट्स रुक जाते हैं, आप एकाग्र हो जाते हो कुछ देर के लिए सही, लेकिन हो जाते हो। वो चीज़ें आपको बहुत पसंद है, अब चाहे उनमें डांस आ जाए, चाहे गेम खेलना आ जाए, या फिर कोई मूवी देखना आ जाए, वेब सीरीज़ देखना आ जाए, किसी के साथ बात करने में आपका मन लगता हो, लेकिन जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड को रोक देती है आपको बड़ी पसंद आती है। दिक्कत क्या हो रही है लॉकडाउन में कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है
है तो बहुत सारी वेब सीरीज़ वगैरह और ये मूवी वगैरह ये जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, कुछ हद तक आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रोक देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? रात में भी क्या यूट्यूब चलाओगे? रात में सोते सोते भी आपके दिमाग में डर आएगा ही, पढ़ोगे तो डर आएगा, पढ़ते पढ़ते यूट्यूब चला नहीं सकते, इंस्टाग्राम चला नहीं सकते, वेब सीरीज देख नहीं सकते, पढ़ भी नहीं पाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे, फिर भी आपको डर सताता रहता है, फ्रस्ट्रेशन आती रहती है, बोर्डम आता रहता है, बोर हो गए, क्या करें समझ नहीं आ रहा। सबकॉन्शियस माइंड सारा गेम सबकॉन्शियस माइंड का, रोकना कैसे हम इसको? सबकॉन्शियस माइंड के लिए आप क्या अल्कोहल कंजप्शन करें? नहीं। ड्रग कंजप्ट करें? नहीं। तो क्या करें? कितनी वेब सीरीज़ देखेंगे, कितनी जो है मूवीज़ देखेंगे, कितना टाइम वेस्ट करोगे आप लोग? हद होती है एक चीज़ की। इस समय जो खुश है ना, वो वही है जो या तो सालों से या महीनों से मेडिटेशन करता आ रहा है, या जिसको मेडिटेशन करना आता है, योग करना आता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोकना आता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो अल्कोहल कंजप्शन है या मूवी देखना है या डांस करना या ऐसी एक्टिविटी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रोक देती है, वो चीज़ ये सारी लोअर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। अल्कोहल को कंजम करना भी एक लोअर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, ये भी एक मेडिटेशन है। लेकिन जो हायर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आपको पता है, जैसे ब्रीथ पे कंसंट्रेट करना, अब मैं आपको सबको मेडिटेशन यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको उसके आगे के भी स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन मेडिटेशन जो है एक तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड को रोक देता है। उस पर ना आपका शरीर पर एडवर्स नुकसान होता है, ना आपके माइंड पर एडवर्स नुकसान होता है, ना आपकी ज़िंदगी पर एडवर्स नुकसान होता है। आपका कंसंट्रेशन इस तरीके से बढ़ जाता है कि आप जो है अपने हर फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन करना तो है, मेडिटेशन करना आने के लिए हमको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, और ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है कि जो जिससे बोर्डम आ जाती है, तो हम उसकी तरफ जा ही नहीं पाते। हमारे पास नेट है, सब कुछ है, तो हम यूट्यूब की वीडियो खोलेंगे ना, हम वेब सीरीज देखेंगे, हम ऐसी चीज़ करेंगे, हम जो है फास्ट, अब देखो फास्ट फूड की मैं बात करूँ, खाना आपको टेस्ट लगता है, आप कहते हो कि यार मन भर गया, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा खाना खाते खाते, टेस्टी फूड जब आप खाते हो, तो मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड तो है, आपका मन नहीं भरा, उस मन को वही चीज़ चाहिए खाना खाते खाते, जो टेस्टी चीज़ खाते हो, आपका दिमाग रुक जाता है ना, आंखें बंद हो जाती है और थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, या ऐसी कोई टेस्टी चीज़ खाते हो, तो वो चीज़ आपको पसंद क्यों है? आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए बुरी है? इतने फास्ट फूड है, आपको पता है, जो आपको पता है आपके शरीर में जाके एडवर्स इफेक्ट करेगा, इतने खतरनाक करेगा, आपको पता है उसके आउटकम भी क्या होंगे, लेकिन फिर भी आप उसको कंज्यूम करोगे, क्यों? सबकॉन्शियस माइंड धीरे 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 इस आपके पूरे दिमाग को इस तरीके से कवर कर लेता है ये, कि आप सारे एपिसोड्स देखे बिना नहीं रह सकते, टेस्टी फूड खाए बिना नहीं रह सकते, वो चीज़ जो आप कर रहे थे वो करते बिना नहीं रह सकते। इसलिए तो ये जो डर्टी वेबसाइट्स की जो एडिक्शन है, इस वजह से तो लग जाती है। ये पूरी जो इंडस्ट्री चल रही है वेबसाइट्स की, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कैपिटलिस्टिक जो इंडस्ट्री चल रही है, इसी वजह से चल रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके रख रखे हैं। इंस्टाग्राम पे जो ये पूरी इंडस्ट्री चल रही है, किस तरीके से जो है यहाँ पे आपके जो ट्रिगर किया जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को चीज़ दिखा के, ये सब एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री चल रही है। आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। अब मैं बात करता हूँ लॉकडाउन की। न्यूज़ आप दिन भर देख रहे हो, सब कुछ आप देख रहे हो, आपको डर लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई बीमारियां देश में ऐसी मौजूद है जिससे देश में करोड़ों लोगों को वो इफेक्ट कर रखी है अभी भी, और लाखों लोग हर साल मरते हैं, किसी को भी हो सकती है वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो न्यूज़ में नहीं आती और वो आपको परेशान नहीं करती। क्योंकि वो न्यूज़ में नहीं आती, और न्यूज़ में क्यों नहीं आती? पहला कारण तो ये कि वो रिच को इफेक्ट नहीं करती, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, ऐसी बीमारियां जो अमीरों को इफेक्ट नहीं करती, गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, एसी में रहते हैं, एसी में जाते हैं, प्रोटेक्शन पूरा उनके पास रहता है। अरे गरीबों को इफेक्ट करती है, और गरीबों का जो गरीब की जो चीज़ है वो कभी प्रायोरिटी में नहीं आएगी, सरकार के भी नहीं आती। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में रिच को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को इफेक्ट पड़ रहा है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ी पड़ा इतना। डेवलप कंट्रीज़ की हर चीज़ रुक गई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे चले गए, स्टॉक मार्केट टूट गई यूएसए के। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कोविड-19 के बारे में यूएसए में इसलिए नहीं खोला था राज, क्योंकि उनको लग रहा था कि स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, पैसों की चिंता है, पैसों की चिंता। अब जब कोविड-19 आया, सारे पैसे बर्बाद हो गए, तो सारी दुनिया एकदम से काम कर रही है इस पे, चाइना ने फटाफट जो लॉकडाउन कर दिया। लेकिन जो इतने बीमारियों से लाखों करोड़ों लोग जो दुनिया भर में मरते हैं, उनका उनको कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो गरीबों को होती है, तो न्यूज़ में नहीं आती, तो इसलिए आपको डर भी नहीं लगता। कितनी बीमारी आपको याद है जो कोविड-19 से खतरनाक है? बहुत सारी है, लेकिन याद नहीं है, डर भी नहीं लगता, क्योंकि न्यूज़ में नहीं आती। एक तो न्यूज़ कम से कम देखें, ज़रूरत के हिसाब से देखें। दूसरी चीज़, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है, मान लो आप कहीं बैठे हो, न्यूज़ चल रही हो, और ऐसी न्यूज़ आ रही हो, और किसी और के ऑफिस में हो और वो चल रही हो, तो आप उसको बंद तो करा नहीं सकते। तो एक तो मेडिटेशन करने वाले खुश रहेंगे, दूसरे वो लोग खुश रहेंगे जिनकी ज़िंदगी में टर्बुलेंस आई हो, अनसर्टिनिटी आई हो, इधर उथल पुथल आती ही रहती हो, उनको आदत लग गई, परेशान नहीं है वो,
लेकिन जिनकी ज़िंदगी स्मूथ चली है, अनसर्टेनिटी आई है, तो वो बिल्कुल जो है इसको सहन नहीं कर पा रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। इसका एक इलाज है, सबकॉन्शियस माइंड को शांत कर दो। उसके लिए या तो मेडिटेशन आप स्टार्ट करना शुरू कर दो। छोटा सा मेडिटेशन है कि जो अपने दोनों नोस्ट्रिल्स को ओपन करके, मतलब दोनों नोस्ट्रिल्स पे फील करो जो ब्रीथ आ रही है ब्रीथ जा रही है, 4 सेकंड लो, 3 सेकंड रोको, 4 सेकंड छोड़ दो। ये कई आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। मेडिटेशन यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको कई। अब आप, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एग्ज़ाम में जब बच्चे परेशान हो जाते हैं, एग्ज़ाम आता है, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, पढ़ नहीं पाते बच्चे, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, कारण खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि एक दिन पहले उनको नींद नहीं आती। सबकॉन्शियस माइंड यही बोलता रहता है कल एग्ज़ाम है, कल प्रीलिम्स है, कल एग्ज़ाम है, कल प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स जो यूपीएससी का, जो प्रीलिम्स का गेम है ना, वो केवल एंजाइटी का गेम है। जो बच्चा डर गया ना वहाँ बैठ के, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और जो नहीं डरा और जिसने पढ़ रखा है वो ज़रूर क्लियर करेगा। सारा गेम एंजाइटी का है, सारा गेम प्रेशर का है। अगर आप प्रेशर हैंडल करना सीख गए तो आप सीख जाओगे, लेकिन प्रेशर हैंडल करें कैसे? सबकॉन्शियस माइंड तो बार बार यही बोलेगा ना कि हमारा अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, उसको शांत कैसे करें? इसके लिए बच्चे हार्मफुल ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं। कई बार देखा गया है कि हार्मफुल ड्रग्स का भी जो है कंजप्शन होता है। जो बच्चे हैं वो ड्रग्स का कंजप्शन करके बोलते हैं ना, मूवी देखाओ, एक बार एग्ज़ाम है मूवी देख लो, माइंड को फ्री कर लो। किससे कर लो? सबकॉन्शियस माइंड से। बार बार डराए नहीं वो, तो आप पूरे के पूरे जो है उसके कंट्रोल में हो। वो जब चाहे आपको डरा सकता है, वो जब चाहे आपके मन में कोई भी चीज़ डाल सकता है। और इसको रोकने के लिए आपको केवल और केवल ऐसी चीज़ों पे ध्यान लगाना पड़ता है जो आपको बहुत पसंद हो या आपके सेंसेस से जुड़ी हुई हो। इसके एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, जैसे टेस्टी फूड खाना जो आपके टेस्ट से जुड़ा हुआ हो, मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना जो आपकी साइट से जुड़ा हुआ हो, या फिर ऐसी चीज़ें करना जैसे डांस वगैरह करना जो आपके टच से जुड़ा हुआ हो, जो आपकी ऐसी चीज़ें करना जो जैसे सुनना, गाने सुनना आपके हियरिंग से जुड़ा हुआ, तो सेंसेस से जो चीज़ आपकी जुड़ी हुई है, ऐसी चीज़ जो आपके सेंसेस को अट्रैक्ट करती है, सेंसेस, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांत कर देगी। और कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो पहला काम तो आप ये करेंगे कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो भी नहीं हो रहा तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कोविड-19 हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और युद्ध में बूढ़े लोग तो नहीं लड़ सकते, बच्चे नहीं लड़ सकते, जवान नहीं लड़ सकते, आप यूथ में, हम यूथ में, आइए मिलकर इससे लड़ते हैं। बाहर निकलेंगे नहीं, आज से अभी से वीडियो मैसेजेस बनाना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। नेगेटिविटी सब फैला रहे चारों तरफ है, मुझे पता है, पॉजिटिविटी फैलाइए। कैसे? लोगों का ये घर के अंदर रहे, देश से प्यार करे, सरकार का साथ दे, और सरकार से सवाल पूछे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, अभी घरों के अंदर रहे। अपने आसपास सरपंच से बात कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात कीजिए, वार्ड कमिश्नर से बात कीजिए, प्रधान से बात कीजिए, क्या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उनको पर्सनल की ज़रूरत है। उनसे भी नहीं, आप अपने दम पर अथॉरिटी से परमिशन लेके जो गरीब लोग हैं आसपास उनकी मदद कीजिए। अगर उनकी मदद हो रही है तो ठीक है। आप कोशिश ये कीजिए कि पॉजिटिविटी किसी ना किसी तरीके से फैले। उसके लिए चाहे यूट्यूब पर चैनल बना लीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए। एक चीज़ आप कर सकते हो कि डेली आप डायरी बना सकते हो। आज आप अपने लॉकडाउन पीरियड में आप ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा। आप बोर होएंगे, आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा, यार मुझे पसंद क्या है, मैं इस चीज़ से बोर हो रहा हूँ, मैं इस चीज़ से बोर हो रहा हूँ, मुझे पसंद क्या है, मुझे चाहिए क्या। जब आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब भी आएगा। अब उसका जो जवाब है उस जवाब को डायरी में लिखिए, क्वेश्चन करिए खुद से। और क्वेश्चनिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, इस लॉकडाउन पीरियड में खुद से क्वेश्चन कीजिए हर चीज़ में, और डेली डायरी बनाइए। डेली आज लिखिए, आज मैंने ये किया, आज मैंने वेब सीरीज़ देखी, ये देखी, उसमें ये डायलॉग मुझे सबसे अच्छा लगा, आज मैंने ये काम किया, वो चीज़ मुझे बुरी लगी, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्यों लगी, कैसे लिखी, सब लिखिए। आपकी हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, राइटिंग आपकी हैबिट हो जाएगी, ओपिनियन अच्छे बनने लग जाएंगे, आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी हो जाएगी, ग्रामर अच्छी हो जाएगी। तो मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव मैसेज फैलाइए और लिखिए। साथ ही साथ मैं आपको जो बता रहा हूँ वो चीज़ आप कर सकते हैं, वो है कि इस लॉकडाउन को आप इसे ऐसे समझिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप अपनी स्किल को प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो आदमी किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है स्किल की, या फिर कोई इंजीनियर है, या कोई डॉक्टर है, या कोई ऐसा आदमी जो किसी भी पर्टिकुलर काम में व्यस्त है जो उसको करना ही है, ऐसे समझिए कि इस 21 दिन के लॉकडाउन में, 21 दिन तो खैर अब नहीं रहे, लेकिन अब अगर लॉकडाउन बढ़ता है और कितने दिन भी बढ़ता है, उस पीरियड में
उस स्किल को इस तरीके से मास्टर करना है कि और कोई कर ही नहीं पाए, एक्सपर्टाइज लेना है, बिल्कुल घुस जाना है उस चीज़ में। कोई बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि इतनी प्रैक्टिस कीजिए अपनी सब्जेक्ट्स की, इतना रिविज़न कीजिए कि एक तरीके से आपको ये लॉकडाउन में सारा आपको चूस लेना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना आपके सारा ज्ञान आपको निचोड़ लेना है किताबों में से। एक तरीके से इसे अपॉर्चुनिटी समझिए कि समय मिला है आपको कुछ ऐसा करने का जिसमें आप, दुनिया जो है वो डर रही है, पड़ोसी डर रहा है आपका, लेकिन आप जो है आगे बढ़ेंगे, डरेंगे नहीं। 12 घंटे 24 घंटे एक कर दीजिए। जैसे मेरा फ्रेंड एक, वो अभी भी जो है नहीं डर, उल्टा एग्रेसिवली पढ़ रहा है वो पहले से ज़्यादा। मेरा एक फ्रेंड है जो रोमांटिक नॉवल लिख रहा है। हम अचीव IAS पे आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से बना रहे हैं, सारा कंटेंट वही डाल रहे हैं। मैं एग्रेसिवली पहले से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इसको एक अपॉर्चुनिटी लीजिए, पॉजिटिव मैसेजेस फैलाइए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, डायरी बनाइए, स्किल को प्रैक्टिस कीजिए, और जब लॉकडाउन खुले, अब खुलेगा तो सही, दुनिया देखो इससे भी बड़े बड़े फ्लू आए हुए हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी आई हुई हैं, साइंस ने रोका है इनको, घर में रहिए, लॉकडाउन में रहिए, समय आएगा, समय लगेगा लेकिन ये खुल जाएगा। जब लॉकडाउन खुले तब आप कुछ नए व्यक्तियों, खुलेगा तो सही पक्का, बीमारी तो चली जाएगी, लेकिन आप जब लॉकडाउन खुले तो पहले से आप काफ़ी बेहतर हो, 10% 20% 100% आप पे डिपेंड करता है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए वेब सीरीज़ में, इनमें अब बहुत चलेंगी ये वेब सीरीज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह, क्योंकि ये इंडस्ट्री इस चीज़ पर चलती है आपके, आपको ऐसी चीज़ देने के लिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रोक सके। आप मूवीज़ देख रहे हो, वेब सीरीज़ देख रहे हो, और ऐसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ आजकल, ऐसी वेब सीरीज़ आ गई जो काफ़ी जो है बोल्ड है, जो बच्चों को भी जो है काफ़ी बिगाड़ के रख रही है, मतलब उन पर कोई सेंसरशिप भी नहीं लग सकती। आपकी जो हैबिट है वो और ज़्यादा ख़राब करिए, क्योंकि उनको कस्टमर चाहिए और आप कस्टमर हैं उनके लिए, आप वैसी चीज़ें देख रहे हैं। इंस्टाग्राम भी इस तरीके से चल रहा है पूरा, इंस्टाग्राम को बंद कीजिए, स्किल खुद को इम्प्रूव कीजिए, बेहतर सुबह से शाम तक आप पूरी तरीके से बेहतर हो हर दिन। आसान बात नहीं है, लेकिन एक तरीके से अगर आप अभी जज्बा है आप में, आप जवान हैं, आप में जज्बा है, अगर आप अभी ये चीज़ कर सकते हैं कि मैं इस समाज को क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ सुबह से शाम तक, अपनी स्किल को मजबूत कीजिए। नहीं तो आपके पास ऐसी स्किल है जिससे आप दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉजिटिव फैला सकते हैं, आप अच्छे सिंगर है तो गाना बनाइए, अच्छी चीज़ें कर सकते हैं तो उस हिसाब से कीजिए। लेकिन अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, ये वक्त है कंट्रीब्यूशन का, जो समाज को, जो देश ने आपको दिया है वो देश को लौटाने का वक्त है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, मुझे लगा कहीं ना कहीं लोगों की मदद करनी चाहिए, कहना चाहिए उनको क्या करना चाहिए, मेरा भी कंट्रीब्यूशन जो है देश को जाएगा। तो प्लीज़ 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 रुकना नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, स्किल बढ़ाइए, मास्टर बन जाइए हर जो चीज़ आप कर रहे हैं उसका, और साथ ही साथ पॉजिटिविटी फैलाइए, देश इस लड़ाई से ज़रूर जीतेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।